हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 के बारे में। तो इसकी आंसर की आ गई और रिजल्ट भी आ गया है। कितनी रैंक तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और कितने मार्क्स होंगे आपके, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और रिजल्ट में सुनने में आ रहा है कि रिजल्ट में गड़बड़ी भी आई है, उसको भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पर अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। हम लोग देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आया है आपका और आप कैसे रिजल्ट देख सकते हैं। तो देखिए, जैसे आप देख रहे होंगे बीएड प्रवेश परीक्षा के नतीजे घोषित की, बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आ गया है। तो देखिए, इसमें कहा गया लखनऊ विश्वविद्यालय ने शनिवार को संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020-22 का परिणाम जारी कर दिया। तो देखिए, सीतापुर के जो पंकज कुमार है, 299.333 अंकों के साथ प्रदेश में पहले स्थान पर रहे हैं। और बिहार के सीतामढ़ी जिले के अजय कुमार, ये सीतापुर के थे और ये सीतामढ़ी जिले के जो अजय कुमार, उनके 295 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। परीक्षा के चेयरमैन कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने इन नतीजों की घोषणा की। तो आगे देख लेते हैं और क्या कहा गया है। कुलपति ने बताया कि परिणाम वेबसाइट, ये लखनऊ की वेबसाइट है, इस पर जारी किया गया। आप वहां जाकर देख सकते हैं, अपलोड किया जा, सभी अभ्यर्थी लखनऊ विश्वविद्यालय वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना प्राप्तांक, स्टेट रैंक, कैटेगरी रैंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लखनऊ की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। वहां से क्या करना है आपको, वहां जाएंगे तो आप वहां पर लॉगिन करेंगे। देखिए, इस टाइप से पेज खुल के आएगा। तो आपको अपनी यूजर आईडी डालना होगा और आपको पासवर्ड डालना होगा, लॉगिन करना होगा, इसके बाद आपका रिजल्ट खुलेगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, आपको कितने मार्क्स तक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, आपकी रैंक आपकी 10,000 के अंडर है, 10,000 के बीच आपकी रैंक है, इसके आसपास भी आपकी रैंक बन रही है, तो आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि हर किसी गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए रहता है। तो आपके 10,000 तक का है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और या फिर आपके 230 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, आप जब टॉपर के मार्क्स इतने हैं तो आपके, यदि मान लीजिए किसी की 900 रैंक है, 3,000 है, 4,000 है, तो 10,000 के आसपास, मान लीजिए 10,000 से थोड़ा आसपास ज़्यादा भी है, तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और उसके बाद देख लेते हैं, कुछ स्टूडेंटों का कहना है कि उन्होंने अपनी आंसर की मिलाई, अपना मतलब पहले भी जो क्वेश्चंस मिलाए थे तो उनके मार्क्स पहले ज़्यादा आ रहे थे। मान ली पहले किसी के मार्क्स आ रहे थे, किसी ने बताया कि पहले 230 मार्क्स आ रहे थे, 230 मार्क्स आ रहे, लेकिन रिजल्ट में उसके मार्क्स सिर्फ 203 मार्क्स आए हैं, 203 मार्क्स आए हैं। तो इतना अंतर आ रहा है कि उसने पहले अपने अकाउंट किए हैं तो 230 मार्क्स आ रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया है तो 203 मार्क्स आए हैं। तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ लोगों का रिजल्ट चेंज हुआ है, कि जो मार्क्स आने चाहिए थे वो मार्क्स नहीं आए हैं। तो आगे क्या प्रोसेस होगी इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। और आंसर की आपकी आ ही चुकी है तो आप लोग अपने आंसर, जो आपकी कार्बन कॉपी होगी उस पर आप अपने आंसर की मिला सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और रिजल्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। यदि अंतर आ रहा है, ज़्यादा मार्क्स का अंतर आ रहा है, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आंसर की आ चुकी है। फिर भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। और ये पेपर कटिंग मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।